देखिए अभी अभी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू ही हुई हैं, अभी जलसे होने ही लगे हैं, जुलूस होने लगे हैं, अभी सही तौर पर ट्रेंड का पता चलना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जो सूरत हाल है तो उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूं कि वेली की 3 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर कड़ा मुकाबला होने का इम्कान है और वो है बारामूला की सीट, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट भी काफ़ी मजबूत है और पीसी का कैंडिडेट भी काफ़ी मजबूत है, वहां काफ़ी हेवी मुकाबला होगा। और बाकी जो 2 सीटें हैं उन पर मुझे लगता है कि ज़्यादा कड़ा मुकाबला नहीं है। अनंतनाग की सीट पर तो कड़ा मुकाबला हो सकता था अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो इंतखाबी इतिहाद हुआ वो अधूरा न होता। उन्होंने इंतखाब कुछ सीटों पर इतिहाद किया लेकिन अनंतनाग और बारामूला की सीट उन्होंने उसमें फ्रेंडली मुकाबला उन्होंने कहा है कि करेंगे। फ्रेंडली मुकाबला मुझे समझ में नहीं आता है कि यह क्या है, मुकाबला तो मुकाबला होता है, फ्रेंडली मुकाबला क्या है। फिर भी अनंतनाग में उनके वोट आपस में ही डिस्प्यूट हो जाएंगे, जो पीडीपी मुखालिफ वोट है वो उनके दरमियान बढ़ जाएगा और उसका फ़ायदा पीडीपी को यकीनी तौर पर होगा और महबूबा जी वहाँ मजबूत कैंडिडेट इस वक्त नज़र आ रही है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी वक्त पर ट्रेंड बदल जाती है, सारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि श्रीनगर में मजबूत कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो मुकाबला एक तरफा है, तो अनंतनाग में ज़्यादा हेवी मुकाबला नहीं है, सिर्फ 1 सीट पर मुकाबला होगा और अच्छा खासा मुकाबला होगा वहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मकामी चीज़ें इलेक्शन में मैटर करती है। मिसाल के तौर पर अभी आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऊडी में बड़ा अच्छा खासा असर है, लेकिन उनके लिए वहाँ पर पीसी का जो इस वक्त कैंडिडेट है पार्लियामानी कैंडिडेट, वो उनके लिए असेंबली इलेक्शंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.